हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले एक नई अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट है आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि रेलवे जो भर्ती बोर्ड है उसने जो एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत आप 10वीं पास वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि MTS की जो पोस्ट है वो जारी कर देगी उसकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन। आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं कब से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और क्या क्या रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, कितनी आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ये सब कुछ हम बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने स्मार्ट नो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नो के चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही दोस्तों, सरकारी नौकरी संबंधित कोई भी अपडेट या कोई भी जब नया जॉब आता है तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन और सबसे पहले हाउ टू फिल फॉर्म, सारी जानकारी आपको स्मार्ट नो के चैनल पर मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपके सामने देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। आप भी अपने URL बॉक्स में जाइए, गूगल पे जाके देखिए, टाइप कीजिए www.rrcnr.org, यानी कि जो आपने नॉर्थन रेलवे का है आपके सामने ऑफिशियली पेज खुल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थन रेलवे, और यहाँ पे आप देख लीजिए होम अबाउट अस ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट रिजल्ट जो है ये सभी कुछ कॉलम दिया है, कॉन्टैक्ट्स पैनल एडमिन। तो आप देख लीजिए सबसे पहला, जी हाँ दोस्तों, आप देख लीजिए न्यू में जो सबसे फर्स्ट है वही देख लीजिए यहाँ पे क्या लिया हुआ है, इंडिकेटिव नोटिस फॉर एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2019। ये आपका एम्प्लॉयमेंट जो है नोटिस नंबर है। उसके बाद देख लीजिए रिक्रूटमेंट ऑफ लेवल 1 मल्टी टास्किंग स्टाफ। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टी टास्किंग स्टाफ कैटरिंग इन कमर्शियल डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थन रेलवे। तो जी हाँ दोस्तों, मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी 10वीं पास की जो वैकेंसी है वो जारी कर दी गई है। आप जो है इसका, मैं आपके सामने जो है इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाऊंगा। देख लीजिए यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करना है, उसके साथ बाद जो है आपके देखिए यहाँ डाउनलोडिंग फाइल स्टार्ट हो जाती है। देख लीजिए आपके स्क्रीन के सामने अभी जस्ट मैंने ये देखिए ओपन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इंडक्टिव नोटिस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रिक्रूटमेंट देख लीजिए सेल NR, और ये वेबसाइट है, देख लीजिए आप इसके ऑफिशियली वेबसाइट को लिख लीजिए www.rrc.nr.org। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियली वेबसाइट है और ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली है। आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर जो है 02/2019। अब बात करते हैं इसके आगे के डिटेल्स के बारे में। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ लेवल 1 मल्टी टास्किंग स्टाफ कैटरिंग इन कमर्शियल डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थन रेलवे अगेंस्ट 118 वैकेंसी कुकिंग एंड सर्विसेज। यानी कि दोस्तों, आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा चांस है, क्योंकि 118 पोस्ट के लिए जो है कमर्शियल डिपार्टमेंट में आपको जो है मल्टी टास्किंग स्टाफ की भर्ती निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कैसे भरना है और क्या एज लिमिट है वो भी मैं बता देता हूँ। इसके लिए मिनिमम जो एज है, जी हाँ दोस्तों, जो एज आपकी जो आप जानना चाहते हैं वो है मिनिमम 18 to 40 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, 18 से 40 वर्ष के बीच में अगर आप हैं मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 10th पास किया है तो ये जॉब आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए और बाकी के कोई भी डिटेल्स की आवश्यकता नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है 10वीं का अगर मार्कशीट है, अगर आपने 10वीं पास किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं आगे के डिटेल्स के बारे में, कैसे भरना है इस फॉर्म को और क्या क्या करना है प्रोसेस। तो देखिए नीचे क्या दिया है, डिटेल नोटिफिकेशन विद द एलिजिबिलिटी कंडीशन लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एज, एग्जामिनेशन फीस एंड जनरल इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा विल बी अवेलेबल इन द कमिंग एडिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ नंबर 49। यानी कि 14 सितंबर को जो है आप इसको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो पेपर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें आप सभी जो है वैकेंसीज के बारे में पढ़ सकते हैं, उसमें जो है इसका नोटिफिकेशन आएगा 14 सितंबर को, और वहां से आप जो है इसकी फुल डिटेल्स यानी कि पूरी की पूरी नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं, और वहाँ पे जो है प्रिंट आएगा, उसके बाद ही जो है ऑफिशियल पे इसका अपडेट की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ चुका होगा कि 14 तारीख से जो है आपको इस फॉर्म को भरना स्टार्ट हो जाएगा, और 14 तारीख को जो है आप फुल डिटेल्स भर सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में आपको कौन कौन सा टेक्निकल चाहिए, नॉन टेक्निकल चाहिए, जो भी फॉर्म आपको भरना है, जिस डिपार्टमेंट में भरना है आप भर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आई दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये भर्ती जो 118 पोस्ट के लिए है, इसके लिए आप सभी लोग एलिजिबल हैं, और इसके लिए स्टडी मटेरियल, जी हाँ दोस्तों, स्टडी मटेरियल जो है हम वो सबसे पहले आपको स्मार्ट नोई चैनल पे प्रोवाइड करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो पे बने रहिए, साथ ही दोस्तों स्मार्ट नोई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।